फाइनली पाकिस्तान के क्रिकेट और पाकिस्तान के नागरिक के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल साल 1996 था जब लास्ट टाइम पाकिस्तान ने कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट किया था, लेकिन अभी पीसीबी चीफ जका अशरफ ने अभी आईसीसी के साथ 2025 का जो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने वाले उनका प्रॉपर साइन कर दिया है। और ये साइन करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि आईसीसी किसी भी देश को जब होस्टिंग देता है किसी भी टूर्नामेंट का, उसमें जो भी देश होस्ट करने के बाद खेलने आते हैं जो भी टूर्नामेंट के, तो उन सारे देशों की रजामंदी जरूरी होती है। जैसे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कोई भी देश हो जो खेलता है, उसकी रजामंदी होने के बाद ही आईसीसी कोई भी होस्टिंग देश को अपना आईसीसी टूर्नामेंट करवाने की परमिशन देता है। भारत के बहुत सारे देशों को लगता होगा कि भारत इस बार भी पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगा, लेकिन भारत के लोगों को आप सोचना जायज भी है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत में सेम टाइम पे चुनाव है और चुनाव के टाइम दोनों देश ये टूर्नामेंट करवा नहीं सकते। जैसे कि भारत में इस साल आईपीएल होने वाले, आईपीएल का ऑक्शन दुबई में शिफ्ट किया गया, आईपीएल का ज्यादातर टूर्नामेंट दुबई में ही होगा ये आसार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत में उस समय चुनाव के टाइम भारत में टूर्नामेंट करवाना इम्पॉसिबल है। और 2025 में जब भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी, अगर पाकिस्तान तो जाएगी नहीं, पाकिस्तान का भी लगता है कि जो 2025 का टूर्नामेंट होगा वो दुबई में शिफ्ट कर ही दिया जाएगा, और भारत को लगभग ना के बराबर पाकिस्तान जाने की जरूरत है। और इसका सबसे प्रॉपर रीजन ये है कि दोनों देश में चुनाव है, चुनाव के टाइम दोनों देश एक दूसरे के साथ, खास करके भारत, पाकिस्तान में खेलने जा ही नहीं सकता है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।